हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह आर्थिक मोर्चे पर लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद अमेरिका के डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर को बाहर कर दिया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी समूह के शेयरों की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गौतम अडानी को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। उनकी आधे से ज्यादा संपत्ति अचानक ही खत्म हो गई है। वहीं अडानी को एक नया झटका उत्तर प्रदेश सरकार से लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की इकाई मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी समूह का लगभग 5,400 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया है। यह टेंडर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर था। टेंडर के मुताबिक अडानी ग्रुप को मध्यांचल में 72 लाख स्मार्ट मीटर की आपूर्ति करनी थी, लेकिन टेंडर की दर अनुमानित लागत से लगभग 48-65% अधिक होने की वजह से इसका विरोध हो रहा था। अडानी ने 10,000 रुपए प्रति स्मार्ट मीटर की कीमत बताई थी, जो टेंडर में सबसे कम था। लेकिन रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग बिलिंग गाइडलाइन के तहत 6,000 रुपए प्रति मीटर की लागत को देखते हुए इसे कथित तौर पर ज्यादा माना गया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर चाहिए था। इसके लिए ई टेंडर निकाला गया था। मैसर्स अदानी पावर ट्रांसमिशन के अलावा GMR, L&T, इंटेली स्मार्ट इंफ्रा ने भी बोली लगाई। अडानी को टेंडर मिला, लेकिन 4 फरवरी को MVVNL एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि टेंडर को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। अब ऐसी संभावना है कि डिस्कॉम फ्रेश टेंडर प्रोसेस शुरू करेगी। संभावना इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश की अन्य डिस्कॉम भी MVVNL से प्रेरणा लेते हुए इसी रास्ते पर जा सकते हैं। गौरतलब है कि दक्षिणांचल में भी अडानी समूह का टेंडर है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर पाने की रेस में शामिल 4 निजी कंपनियों में से कोई भी स्मार्ट मीटर का निर्माता नहीं है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी पर आरोप लगाया है कि वो कॉरपोरेट जगत के सबसे बड़ी ठगी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक फाइनल और किसी जिम्मेदार संस्था का बयान नहीं आ जाता है, इस पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। भारत को बदनाम करने के लिए लगातार साजिशें रची जाती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के और प्रयास हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।